लोकतंत्र में अपनी मांग कर सकते हैं, और उन सब ने यही कहा है कि हम अर्चना सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। ठेस लगी है इस बात से, पार्टी के इस फैसले से? लड़ाई का प्रतिफल यही चाहते ना कि गुड्डू सिंह को कहीं और साइड किया? नहीं है, वो टिकट यहाँ से दी जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपको सेट करने की नहीं है, छतरपुर से टिकट बदलवाने की भी नहीं है। और हम भी कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने, जनता तो फिर सबसे बड़ी है, जनता जब चाहती है तो फिर चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। अब ये तो ईश्वर जानता है। देखिए, कोई टीम में जब कोच बदलते हैं तो कोच अपने अनुसार खिलाड़ियों का चयन करता है। आपका इशारा बीडी शर्मा की तरफ? ऐसे नहीं होता है। 5 वर्षों में ललिता जी भी भाई, उनको मंत्री बनाया, 2 बार विधायक रहीं वो, फिर उनको टिकट दी पिछली बार, टिकट काटी नहीं, स्थान बदला, फिर उसके बाद वो हार गई तो उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तो आपने ललिता यादव का जो कैडर जाति वाला वोट कहलाता है, उन तमाम गांवों में आप जीते। दूसरा, आप उनसे ज़्यादा वोट लेकर आए थे, ये 2 पॉइंट उठाए। आगे चीज़ें अब नेपथ्य में हैं, आगे हैं, किसी ने देखी समझी नहीं है, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ी। वो जो बैनर तख्तियाँ उस दिन आपके कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी, उसमें कमल का फूल भी गाया था? नहीं नहीं, वो कमल के फूल के जगह ये हम फिर आपसे बोले, जहाँ आपकी घर की इज्जत सुरक्षित हो, जहाँ परिवार की मर्यादा सुरक्षित हो, वहाँ आदमी काम करता है। तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके संपर्क में है, समाजवादी पार्टी भी आपके संपर्क में है, ये भी बड़ी जोर से चर्चा है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। संपर्क में है, कांग्रेस से भी संपर्क, तो संपर्क। सत्ता परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस सरकार बना सकती है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, चल रही है टक्कर, अच्छी चल रही है। और कोई डील करना चाहते हैं भाजपा से? अब लड़ाई तो रोचक होगी और हम सब मिलके इस लड़ाई को जीतेंगे।